Meron pa kayo. पकड़ लीजिए आप पकड़ लीजिए। मैं लेती हूँ सबका इंटरव्यू। हाँ तो वहाँ भी यार क्या चलिए करें रोल जी रोल यस जी जी बताइए आपका नया शो इक्यावन बहुत जल्दी ऑन एयर होने वाला है, क्या कुछ खास बात है और सुशील कितनी सुशील नजर आएगी इसमें? ऊपर ही इक्यावन जैसा कि नाम थोड़ा सा नीचे कर लीजिए ये ठीक है जी। इक्यावन जैसे कि नाम है और हम सब भी जानते हैं कि हिंदू कल्चर में एक लकी नंबर माना जाता है, तो सुशील अपनी फैमिली जो कि पारिक फैमिली है उसकी 51वीं संतान है और उसको चार पिताओं ने पाला है उसकी फैमिली में। उसकी फैमिली में कोई लड़की नहीं है और कोई औरत नहीं है, तो उसको उसके मापा चाचा दादा और मामा ने पाला है, चारों के नाम दे देना। हाँ तो और जो उसके पापा है उसको उनको वो मापा बुलाती है क्योंकि बचपन से ही जो माँ का और पापा का प्यार है वो उसको मापा ने दिया है। और हाँ जी नीचे थोड़ा सा ठीक है जी। और 51 सुशील की जर्नी है, उसकी फैमिली की जर्नी है। सुशील बाकी लड़कियों से बिल्कुल हटकर है, अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें फेमिनिज्म बिल्कुल भी नहीं है, लड़कियों जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। सोसाइटी में लोग उसको ऊँटनी कहकर, लंबी कहकर, लंबी टांगे हैं, ये है वो है, बिल्कुल उसको चिढ़ाते हैं क्योंकि वो थोड़ी ब्रैश है। उसको चाय बनाना नहीं आता, उसको कपड़े तय करने नहीं आते, खाना बनाना नहीं आता। बट बाहर के जितने भी काम होते हैं ना, जो लड़के बिल्कुल उनको पसंद है लड़कों को करने, खेलना कूदना, लड़ाई करना, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, तो वो सब करती है सुशील, वो सब करती है जो लड़कों को पसंद है। और मेरा मानना, प्राची का मानना ये है कि कहीं ना कहीं सुशील हर लड़की में छुपी होती है और जो सोसाइटी के प्रेशर्स की वजह से या हम उसको बाहर नहीं आने देते, तो सुशील एक ही मैसेज देती है सारी लड़कियों को, सोसाइटी को, कि आप जो हो अपने आप को वैसे ही प्यार करो। और एक्सक्यूज मी जी हाँ हाँ श्योर श्योर हाँ, तो सुशील एक ही मैसेज देती है कि आप जैसे भी हो वैसे ही रहो, अपने आप की अंदर की खूबियों को पहचानो और उसी हिसाब से अपने आप को प्यार करो और अपना करियर भी उसी हिसाब से बनाओ, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ होती है, उसको आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू जो है वो सुशील के साथ शो में देखने को। मेरी जो बॉन्डिंग है, मेरी हर एक लड़की की अपनी माँ के साथ एक अलग बॉन्डिंग होती है। आप जो अपने फादर के साथ या अपने भाई के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो अपनी माँ के साथ शेयर करते हो। तो या वो किसी के साथ लड़के आएगी या किसी ने उसको छेड़ दिया है या उसे किसी की कोई तकलीफ है, तो वो सारी चीज़ें आके मुझसे शेयर करेगी। प्लस उसके साथ साथ सुशील की कहानी जो है ये विमेन एम्पावरमेंट बेस्ड है। ये ऐसी आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि लड़कियों को कहा जाता है कि आप अरे ऐसे कपड़े मत पहनिए, आप इस तरह से मत बैठिए, आप ये क्यों कर रही हैं, आप लड़कों के काम क्यों कर रही हैं, ये सब बाउंडेशंस क्यों? ये सब बाउंडेशंस लड़कों के लिए तो नहीं है, लड़कियों के लिए क्यों? तो उसके ऊपर ये कहानी है। और हमने चार मर्दों ने मिलकर उसको पाला है, बट स्टिल शी हैज़ गॉट हर वैल्यूज़, इमोशंस, सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि वो बदतमीज़ है या उसको तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि चार मर्दों ने पाला है तो उसका अपीयरेंस वैसा हो गया कि वो मर्द की तरह लगती है और यू नो ड्रेसअप वैसे करती है एंड ऑल ऑफ दैट। बाकी शी इज़ अ गर्ल। और हमने उसको हमेशा यही कहा है कि आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, अपने किसी और के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है लाइफ। आप लोग आपको उस तरह प्यार करें जैसे आप हो। सो दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और आगे स्टोरी में क्या है? सो प्रियांक हाय, मेरा नाम प्रियांक कटारिया है और मैं इस नए शो 51 में मापा मतलब मेहुल का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जो सुशील मुझे प्यार से मापा है, नेगेटिव वर्ड है, माँ पा मतलब मदर एंड फादर। वो
इसका जन्म जब जन्म हुआ तो उसकी माँ का देहांत हो गया था, तो तब से मुझे मदर और फादर दोनों की तरह उसके साथ मेरी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बचपन से ही उसको माँ का प्यार भी देता आया हूँ और माँ का बच्चों का जब माँ के साथ जो रिलेशन होता है, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग होता है, एक फ्रेंडशिप होती है, फादर उसको मोटिवेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इसके साथ शेयर करनी पड़ती है। तो उसको बहुत ही प्यार से हमने पाला है, चार पिताओं ने। जी बताइए, आप पापा के किरदार निभा रहे हैं, हालांकि आप पापा जैसे लग नहीं रहे हैं। हाँ। आप ऐसा लग रहा था कि आप शायद बड़े भाई होंगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो रहा है कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं इस नए शो में मेहुल का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, वो सुशील के पापा का किरदार है। सुशील उसको प्यार से मापा कहती है। हाँ, एक्टर का काम होता है बेसिकली कि ये एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो यंग दिखते हैं और उसको फादर का कैरेक्टर निभाना है, तो ये एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कैसे निभाए, और यही हमने किया है। हम दोनों की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, और आपको देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं इसका फादर नहीं हूँ। और हमने ये पूरी जर्नी दिखाई है। छोटी सुशील है जो 3 महीने है, 3 साल की है, 6 साल की है, 18 साल की है, तो हर बार वो मेरा लुक भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है, और मेरा जो अप्रोच है और मेरा और सुशील का जो केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, वो भी चेंज होती जाती है। ठीक है, आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम है प्रियांक टटारिया। ऐसे तो डू दिस नो, चल क्या रहे आप, खड़े खड़े सॉरी सर भैया। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। अरे भाऊ, अरे हो ही नहीं कोई, हाँ जी, मेरे सामने 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 सामने।